हेलो वीवर्स, वंस अगेन वेलकम बैक। आज हम बनाने वाले हैं सेव की सब्ज़ी। ये वाली हार्ड है थोड़ी सेव, इसी की सब्ज़ी हम बनाने वाले हैं। ये सारे इंग्रेडिएंट्स यहाँ पे रखे हुए हैं इसके। चलिए हम एक एक करके इसके इंग्रेडिएंट्स बता देते हैं हम आपको। 200 ग्राम सेव ली है हमने। यहाँ पर कुछ हरा धनिया, हरी मिर्च 4 ली है, 4 से 5 लहसुन की कलियाँ इसको चॉप कर लिया है। हरी मिर्च और धनिया को भी हमें चॉप कर लेना है, वो हम कर लेंगे बाद में। यहाँ पर एक बड़े साइज़ का टमाटर और बड़े साइज़ की प्याज है, इसको हमने अच्छी तरह से वॉश करके कट कर लिया है। इसको हमें ग्राइंड करना है, इसकी प्यूरी बनानी है। टर्मरिक पाउडर 1 टीस्पून, धनिया पाउडर 1 टेबलस्पून, रेड चिल्ली पाउडर 1 टीस्पून, जिंजर गार्लिक पेस्ट 1 टीस्पून, एक टोमेटो लिया था जिसको हमने चॉप कर लिया है। यहाँ पर एक ऑनियन लिया है, इसको भी हमने फाइन चॉप कर लिया है। सॉल्ट यहाँ पर हमने 1 टीस्पून लिया है, क्योंकि सेव में जो होता है ऑलरेडी सॉल्ट होता है, तो मसाले के हिसाब से हमने 1 टीस्पून लिया है। आप अपने टेस्ट के हिसाब से सॉल्ट ले सकते हैं। 2 से 3 चुटकी हम हींग यूज़ करेंगे। यहाँ पर ज़ीरा मोहरी लिया है हमने 1 टीस्पून, और हमें ऑयल की ज़रूरत पड़ेगी, 4 टेबलस्पून हम ऑयल यूज़ करेंगे। अब सबसे पहले इसको हम पीस लेते हैं। ये देखिए, इसको हमने ग्राइंड कर लिया है। अब हरी मिर्च और धनिया को भी हम चॉप कर लेंगे। यहाँ पर हरी धनिया और हरी मिर्च भी चॉप हो चुकी है, अब हम बनाना स्टार्ट कर लेते हैं। देखिए, यहाँ पर पैन गरम होने रख दिया है, ऑयल डाल देंगे हम। ये 4 टेबलस्पून ऑयल डाल दिया है हमने इसमें। ऑयल की क्वांटिटी आप कम ज़्यादा कर सकते हैं, लेकिन इसमें थोड़ा ज़्यादा ऑयल रहता है तो लुक में भी बहुत अच्छी दिखती है, क्योंकि तरी आती है ना ऊपर से, तो बहुत मज़े की दिखती भी है और खाने में तो अच्छी लगती है वैसे भी है। अब इसमें ज़ीरा मोरी डाल देंगे सबसे पहले। जैसे ये तड़कने लगेगा, इसके अंदर हम लहसुन डालेंगे। देखिए, तड़कने लगा है, अब हम लहसुन डाल देते हैं। लहसुन हल्का सा फ्राई हो जाएगा तो हम हींग डाल देंगे। यहाँ पर देखिए, लहसुन भी फ्राई हो चुका है, अब हम हींग डाल देंगे। हींग को भी हमने डाल दिया है। हरी मिर्च डाल देंगे। हरी मिर्च के साथ ही साथ हम प्याज डाल देंगे। इसे फ्राई कर देंगे अच्छी तरह से। प्याज का कलर चेंज होने तक हम इसे फ्राई करेंगे। प्याज भी देखिए फ्राई हो चुकी है। जिंजर गार्लिक पेस्ट डाल देंगे इसमें हम। डालने के बाद हम इसको 1 से 2 मिनट तक भूनेंगे। फिर इसमें हमने जो प्यूरी बना के रखी थी प्याज और टमाटर की, वो डाल देंगे। इसको हमें अच्छी तरह से भूनना है जब तक कि ये सारा इसका कच्चापन निकल ना जाए। इसे हमें भूनते रहना है। इसमें कोई मसाले नहीं पड़े अभी तक, ज़्यादा मिर्च नहीं पड़ी है, हल्दी नहीं पड़ी है। फिर भी देखिए कितना प्यारा कलर इसका दिख रहा है। इसको अच्छी तरह से भूनने के बाद हम इसमें मसाले डालेंगे। थोड़ा भूनने के बाद हम इसमें टमाटर डाल देंगे।
ताकि इसके साथ टमाटर भी भून जाए, गल जाए। टमाटर चॉप करके हमने इसलिए डाला है, वैसे तो पीस तो लिया ही था हमने, लेकिन चॉप करके इसलिए डाला है कि उसका लुक बहुत अच्छा आता है और खाने में भी टेस्टी लगती है सब्ज़ी। ये देखिए तेल अलग हो रहा है, हो गया है, हो रहा नहीं हो गया है। चलिए अब मसाला भून चुका है, अब हम इसमें बाकी के मसाले डाल देंगे। हल्दी, गरम मसाला, धनिया पाउडर, यहाँ पे मिर्च, इसको चला लेंगे अच्छी तरह से। बाकी के मसाले डालकर भी हमें इसको भूनना है 5 मिनट तक, ताकि और अच्छी तरह से सारे मसाले इसके भून जाए। थोड़ा सा नमक हम अभी डाल रहे हैं, 1/2 टीस्पून के करीब, फिर सेव डालने के बाद हम डालेंगे बाकी का नमक। मसाला अच्छी तरह से भून चुका है, अब हम इसमें पानी डालेंगे। पानी की क्वांटिटी हमें थोड़ी सी ज़्यादा रखनी है, क्योंकि सेव डालने के बाद तो ये और गाढ़ा हो जाता है, हमें और थोड़ा पानी लगेगा इसमें। हमने इसमें 2 गिलास पानी डाला है, अब हम इसको ढक देंगे। चलिए देख लेते हैं, ये बॉईल हो गया है, अब हम इसमें सेव डाल देंगे, सॉल्ट डाल लेंगे बचा हुआ, और हरी धनिया डाल लेंगे। धनिया भी डाल दी, बचा हुआ नमक भी डाल दिया। अब सेव डालने के बाद बस एक बार बॉईल आने दें और गैस की फ्लेम को हम ऑफ कर देंगे। देखिए बॉईल आ रहा है, फौरन गैस की फ्लेम को हम ऑफ कर देंगे और इसे ढक देंगे, थोड़ी देर के बाद हम इसे सर्व करेंगे। देखिए कितना प्यारा लुक आया है इसका, चलिए हम इसे निकाल लेते हैं। ये देखिए हमारी सेव की सब्ज़ी बनकर रेडी है, इसे आप रोटी से, राइस से, पाव से, जिसे चाहे आप इसे खा सकते हैं, बहुत टेस्टी लगती है ये, एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा। और अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई है तो आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। तो बाय फ्रेंड्स, फिर मिलते हैं एक न्यू रेसिपी के साथ।